तो मैं हो चुकी हूँ पूरी तरीके से रेडी। ये देखिए बैग वैग लेकर के, और इधर का मैंने सारा समेट दिया है क्योंकि अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि अब मैं निकल रही हूँ सालासर। तो चले चलते हैं सालासर के, हनुमान जी के दर्शन करते हैं। चल करके तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज हम एक और बहुत ही खूबसूरत सी जगह घूमने के लिए। वैसे आप लोगों ने सुन लिया है, पता चल गया है कि हम जा रहे हैं अब सालासर वाले हनुमान जी, जिनको बोलते हैं सालासर वाले बालाजी। तो चलिए चलते हैं। मैं निकल चुकी हूँ अपने धर्मशाला से बाहर और मैं खाटू श्याम में हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिए। तो ये वाला जो धर्मशाला है, ये खाटू श्याम से हार्डली 500 से 700 मीटर की ही डिस्टेंस पे है। अगर आप लोग कभी गए हो तो मैं बता देती हूँ, जो तोरण द्वार है उसके पास में ही है, रोड क्रॉस करते ही। और यहाँ पे देखो, मैंने ना मतलब कैमल राइडिंग ले ली थी, मेरा बड़ा मन कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार, मतलब लाइफ है, सारे एक्सपीरियंस लेते रहने चाहिए। अगर वहाँ पे गए हैं और वहाँ का जो विशेष है, मतलब कैमल राजस्थान का बहुत ही विशेष है ना, तो मैंने कहा चलो ठीक है कैमल राइड भी ले लेते। तो बस मैंने कैमल राइड ले ली यहाँ पर, और चार्जेस हार्डली 50 रुपीज़ है। अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं घुमाते हैं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक घुमा देते हैं, मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो बस यहाँ पे मैं मज़े कर रही हूँ। तो मैं बताती हूँ कि मैं आपको तोरण द्वार से रींगस और सीकर के लिए गाड़ियाँ मिल जाती हैं, सालासर के लिए डायरेक्ट तो नहीं है। तो अभी मैं तोरण द्वार से गाड़ी ली है मैंने, ये है बुलेरो। बुलेरो चलती है कुछ मैजिक जैसा, या फिर मैक्सी कैब, जो भी कुछ बोलते हैं इस तरह से, तो ऐसी गाड़ियां चलती हैं। और ये देखिए, सब लोग ना रींगस से झंडे लेकर के आते हैं, होगा कुछ 15 से 20 किलोमीटर खाटू श्याम से रींगस। तो वहाँ से लोग ना मतलब पैदल ये यात्रा करके आते हैं, तो परिक्रमा बोलते हैं, तो परिक्रमा लगा कर के आते हैं झंडे वगैरह लेकर के। तो बस मैं अभी अपनी गाड़ी में बैठ चुकी हूँ, और 50 रुपीज़ कन्वेंस है जो कि आपको छोड़ेगी खाटू श्याम से रींगस, और फिर रींगस से आप लोगों को बस लेनी पड़ेगी जो कि डायरेक्ट जाएगी सालासर तक के लिए। और खाटू श्याम से सालासर का जो डिस्टेंस है वो है 180 किलोमीटर। और जिस दिन मैं गई थी ना, उस दिन मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं अभी देखो पैदल चल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि पहुंच गए हैं हम सालासर बालाजी के हनुमान मंदिर, और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं मंदिर पहुँच चुकी हूँ मंदिर के अंदर। तो मैं बता दूँ कि उस दिन ना राजस्थान के कुछ 19 जिले और एक्स्ट्रा बनाए गए थे, तो इस वजह से बस वाले ने, मतलब जो बस थी ना, वो 2 किलोमीटर पहले ही आ रही थी, छोड़ दे रही थी। तो वहाँ से फिर पैदल जाना पड़ा हमको सालासर मंदिर तक। तो खैर कोई बात नहीं है, बाबा की जैसी इच्छा हो, जैसे वो बुलाएँ अपने भक्त को, वैसे हमें मंजूरी है। तो बस ये देखिए, हम पहुँच चुके हैं मंदिर के अंदर, और बहुत ही बड़ा मंदिर है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और अगर आप लोग गए हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, नहीं तो मैं बताती हूँ कि मंदिर में जो दर्शन है ना, वो मतलब बहुत लंबे लंबे चक्कर काट करके बहुत दूर से दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। मतलब जहाँ पे हम अभी घूम रहे हैं, आप ये समझ लो इसी जगह आना है दर्शन करने के लिए, लेकिन कम से कम 1.5 से 2 घंटे बाद मैं आऊँगी यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, तो जैसे भीड़ होती है ना, तो उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने बहुत सारी रेलिंग व्यवस्था कर रखी है, जो कि अभी आप लोगों को आगे देखने को मिलेगी। तो इसलिए बने रहिए हमारे वीडियो पे, और वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अगर आप लोग कमेंट करते हैं, अगर आप लोग बहुत ध्यान से हमारे वीडियोस देखते हैं। तो हाँ, वीडियो बनाना अलाउड था, मंदिर के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, लेकिन आप बाहर में वीडियो बना सकते हैं, जो मेन दर्शन है वहाँ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ लोग ना फ़ोन कैमरा अपना चलाना शुरू ही कर देते हैं, तो मैंने भी ऐसा ही कुछ कर लिया। तो इसलिए चलिए वीडियो पर आगे देखते हैं क्या क्या कुछ होने वाला है। हेलो, सर।
तो हमारे हो गए हैं अब सालासर बालाजी हनुमान जी के दर्शन, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से खाटू श्याम। रात हो गई है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, पता नहीं मुझे बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी।